जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों आज का इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एसएससी जीडी में बहुत सारे ऐसा केस मिलेंगे जिसमें फॉरम आपका डायरेक्ट रिजेक्ट हो जाता है। उसका रीज़न होता है आपका डोमिसियल, कास्ट सर्टिफिकेट और एजुकेशन। इन तीन मैटर में कई बार क्या होता है कि बच्चा एजुकेशन कहीं और से कर रहा है, उसका डोमिसियल सर्टिफिकेट कहीं और का है और कास्ट सर्टिफिकेट कहीं और का है। आप सभी को बता दूं, वैसे तो कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट का ही चलता है, तो चाहे कोई से भी स्टेट से बनाओ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूं जिनके कारण फॉरम रिजेक्ट हो जाते हैं। कई बार बच्चों के फॉरम रिजेक्ट हो गए, अगर एक बार रिजेक्ट हो गया इसको मतलब आप अगली वैकेंसी देख नहीं पाओगे। अगर आपके अभी साल मान लो 20 है, अगली वैकेंसी 4 साल बाद में आएगी तो फिर आपकी हो जाएगी 24 और इसकी एज क्राइटेरिया 18 से 23 साल है। वो तो ज़रूर नहीं आपको छूट दे ना भी दे, जो एज क्राइटेरिया वो तो यही है ना। तो इसीलिए आपको इन बातों का कुछ बातों का ध्यान रखना है। बहुत सारे बच्चों के भी क्वेश्चन रहते हैं कि सर मैं 10th क्लास किसी और स्टेट से किया, मेरे पास में जो डोमिसियल सर्टिफिकेट कहीं और का है, हम मूल निवासी कहीं और के, हम 10 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, तो वो हम कहाँ से अप्लाई करें, हमारा कौन सा डिस्ट्रिक्ट लगेगा, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट लगेगा, नक्सल डिस्ट्रिक्ट लगेगा, इसकी वजह से भी फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। एक ओबीसी सर्टिफिकेट, कई बार क्या होता है कोई बच्चा फॉर्म भरते समय जनरल कैटेगरी का और ओबीसी फॉर्म फिलअप करा देता है तो उसको आरक्षण लग जाता है, उसका फॉर्म लास्ट में रिजेक्ट कर दिया जाएगा। चाहे आप वो कितना भी मतलब फॉर्म अप्लाई करके दे, कितना भी वो क्या बोलते हैं नोटरी करा के वकील से, वो कितने भी कुछ दे, लेकिन लास्ट में जाके आपका फॉर्म हो जाएगा क्या, रिजेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो इसलिए आपको पहले से सावधानी रखनी है। क्या क्या सावधानी रखनी है उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही एक चीज़ और मैं बता दूँ दोस्तों आप सभी के लिए, बहुत ही अच्छी चीज़ बता रहा हूँ मैं, कि जिन बच्चों के पास में अभी तक गाइड बुक नहीं है एसएससी जीडी की, गाइड बुक आपके पास में होनी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इसमें एसएससी जीडी के, स्पेशली एसएससी जीडी के लिए बुक तैयार की गई है और एग्ज़ाम कार्ड की बहुत ही अच्छी बुक है दोस्तों। काफ़ी समय से ये बुक मतलब मार्केट में हमेशा रही है, हमारे टाइम पर भी रही है और बहुत ही अच्छी बुक आती है इसकी, ठीक है। और मैंने भी इस बुक को पूरा पढ़ के देखा, बहुत ही अच्छा मैटर दिया एसएससी जीडी के लेवल का, हिंदी मैथ रीजनिंग चारों के चारों सब्जेक्ट दिए हुए हैं इसमें, इंग्लिश भी। तो अगर आपने अभी तक परचेज़ नहीं किए गाइड बुक तो आप परचेज़ कर लीजिए, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, बहुत ही अच्छी बुक है। अब बात करें दोस्तों सबसे पहले कि कौन सी कंडीशन में आपके फॉर्म रिजेक्ट होंगे और कौन सी में नहीं। दोस्तों सबसे बड़ा जो क्वेश्चन रहता है बच्चों का ये रहता है कि सर हमने 10th क्लास हम इस स्टेट से की, हमारे पास में डोमिसियल मतलब किसी और स्टेट का जहाँ के हम मूल निवासी हैं। दोस्तों उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप 10th क्लास कौन से स्टेट से की हो, आपको फॉर्म वहाँ से अप्लाई करना है जहाँ का आपका डोमिसियल सर्टिफिकेट हो, ठीक है। यानी आप 10th क्लास चाहे दिल्ली से किए हो, मुंबई से किए हो, जयपुर से किए हो, कहीं से भी किए हो, कश्मीर से भी किए हो, लेकिन आपको फॉर्म कहाँ से अप्लाई करना है, उस स्टेट से। अप्लाई का मतलब ये नहीं कि आप उस स्टेट में जाके अप्लाई करो, नहीं, जब फॉर्म अप्लाई करते हो तो आप में वहाँ पर होम स्टेट पूछा जाता है, तो वो स्टेट कौन सा आपका, जिस स्टेट का आपको मूल निवास है, तो वहाँ से आपको फॉर्म अप्लाई करना है, ठीक है। तो उसमें कोई मिस्टेक नहीं। कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में रहता है कि सर हमारे पास में कास्ट सर्टिफिकेट उस मतलब सेंटर का होना, तो सेंटर का होना चाहिए भले आप कोई से भी स्टेट में रहो, ठीक है। और डोमिसियल सर्टिफिकेट, आप चाहे मान लो 15 साल से किसी और सिटी में या किसी और स्टेट में रह रहे हो और आपके पास में वहाँ का डोमिसियल नहीं है जहाँ पर आप पहले रहते थे, या आपका जो मूल निवास आपका घर है पुराना वहाँ का आपके पास में डोमिसियल है, तो आपको उसी स्टेट से अप्लाई करना है, ठीक है। और अगर आप वहाँ से यहाँ आ गए, अब यहाँ का आपके पास में मूल निवास है, तो आपको इस स्टेट से अप्लाई करना है जहाँ का आपका मूल निवास है, ठीक है। समझ में आ गई बात। 10th क्लास आप कोई से भी स्टेट से क्यों हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे आप कोई से भी स्टेट से क्यों ना किए हो, आपको बिल्कुल 1% ही प्रॉब्लम नहीं है अगर 10th क्लास आप कोई से भी स्टेट से किए हो। उसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट है वो तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का करना ही। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, गलती भी करते थे, EWS वालों को मैं बता दूँ, उनको भी आपका जो सर्टिफिकेट है वो सेंटर का जो बनाना है वो बना लीजिए, उसका आपको बेनिफिट ज़रूर होगा, तो वो सर्टिफिकेट आप बना लीजिए। बहुत सारे बच्चे का ये भी होता है कि वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या एससी कैटेगरी से बिलोंग, तो वो उसे अपने डाउन वाली कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई करते थे दोस्तों, उससे आरक्षण जुड़ जाता है, और अगर आरक्षण जुड़ गया तो फिर आपका फॉर्म हो जाएगा रिजेक्ट। एक चीज़ और मैं बता दूँ, बहुत सारे जनरल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, फॉरम अप्लाई करते समय वो क्या करते थे, नक्सल डिस्ट्रिक्ट या बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट करते थे। अगर आपने ये गलती कर दी तो मेरे पास में ऐसे कम से कम 1000 स्क्रीनशॉट या 1000 पिछले 2018 वाले बैच की प्रॉब्लमें पड़ी है, जिन्होंने मेरे को बाद में फ़ोटो भेजी थी कि सर उनके पास में रिजेक्शन लेटर गए थे कि यू आर नॉट बिलोंग टू योर मतलब होम डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि आपका मतलब जो डिस्ट्रिक्ट है आपने नक्सल एरिया भरा था, लेकिन आपका तो जनरल डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन नक्सल का क्या होता है मेरिट में आरक्षण मिलता है, तो फिर आपने गलती की है ना भाई, आरक्षण आपको जुटा कैसे मिल सकता। मान लो मैं जनरल से बिलोंग करता हूँ, मैं ST भर दूँ, ST का आरक्षण मिल जाएगा, लेकिन मैं तो खुद तो जनरल, तो फिर मेरे को वो आरक्षण कैसे मिलेगा, तो फिर वो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वही भरिए। ध्यान रखिए, आप चाहे किसी भी स्टेट में रहते हो, आपके जहाँ पे जो जिस स्टेट से जिस स्टेट से आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है और उसके जिस डिस्ट्रिक्ट से है, तो उस डिस्ट्रिक्ट वो कौन सी कैटेगरी में आता है, बॉर्डर में आता है तो बॉर्डर से अप्लाई करिए, नक्सल में आता है नक्सल से अप्लाई करिए, जनरल में आता है जनरल से अप्लाई करिए। दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूँ, अगर आपका बॉर्डर और नक्सल दोनों एरिया में आता है तो आपको बॉर्डर एरिया की मेरिट में रखा जाएगा, ना कि
नक्सल की मेरिट में फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, बॉर्डर एरिया को दी जाएगी। तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी में बॉर्डर एरिया भर सकते हो। एक विशेष रूप से मैं आपको चीज़ बताने वाला हूँ, वो इस बात का विशेष ध्यान रखें आपके सिग्नेचर और थंब के, थंब आप वही लगाएं फॉर्म भरते समय जो आपका ओरिजिनल है, किसी और से न लगवा दें फॉर्मेलिटी के तौर पे, क्योंकि कई बार बायोमेट्री में आपके फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं खाते हैं। तो उस समय फिर लास्ट में आपके सिग्नेचर और जो आपका थंब होता है फॉर्म भरते समय वही चेक किया जाता है, उसका विशेष ध्यान रखें। एक अदर स्टेट से अप्लाई के लिए भी बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन रहते हैं कि सर अदर स्टेट से कैसे अप्लाई करें या कौन अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल आप अदर स्टेट से अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उसके लिए जो एज क्राइटेरिया आपका 18 से 23 साल होना चाहिए। आपको किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं मिलेगा, आपको जनरल कैटेगरी फाइट करनी है उस स्टेट की। एक उस स्टेट में क्या होता है कि आपको उस स्टेट की मेरिट फाइट करनी पड़ेगी। एक सभी स्टेट में अदर स्टेट के लिए कुछ सीटें होती है तो उसके आधार पर भी मेरिट बनती है, तो आप उसमें भी आ सकते हो और उस स्टेट की जनरल कैटेगरी को आपको फाइट करनी पड़ेगी अगर आप अदर स्टेट से फॉर्म अप्लाई करते हो। लेकिन हाँ, कर जरूर सकते हो, इसमें कोई संदेह नहीं है दोस्तों। अदर स्टेट एक एजुकेशन जो आपका सर्टिफिकेट है 10th क्लास का जो सर्टिफिकेट आप लगाते हो दोस्तों, उसका विशेष ध्यान रखना है। उसमें आपको किसी भी प्रकार की गलती नहीं करनी है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ में अगर एक महीने का भी उलट फेर हुआ तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। भले आप कम लिखो चाहे ज़्यादा लिखो, कुछ भी कर दिया डेट ऑफ बर्थ में तो फॉर्म डायरेक्ट रिजेक्ट हो जाएगा मेरिट के समय। एक आपके जो माता पिता का जो नाम है या आपका नाम है, इसके बारे में काफ़ी बोल चुका हूँ, अब ज़्यादा नहीं बोलूँगा। आपके नाम, आपके माता पिता का नाम आपकी 10th क्लास की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए, आपके मूल निवास में, आपके कास्ट सर्टिफिकेट में, आपके आधार कार्ड में, आपके आईडी में आपका नाम और आपके पिताजी का नाम, आपकी माताजी का नाम आपकी 10th क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग होना ही चाहिए। नहीं तो आपका फॉर्म लास्ट में फिर पेंडिंग में फंस जाएगा, विथहेल्ड में फंस जाएगा और आपकी मेरिट में रुक जाएगी, तो फिर आपको ये इन प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो स्पेशली इस बात का ध्यान रख ले दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।